In last classes, in the last week, we had already covered the interactive input devices like keyboard, mouse, trackball, joystick, spaceball. Then we have seen the difference between trackball and spaceball. Then light pen, touch screens, then data gloves, scanners, uske types, image scanners, then handheld scanners, optical character recognition, that is OCR, then optical mark reader, that is OMR, then barcode reader, magnetic ink character recognition, that is MICR, digitizer or a graphic tablet, whatever you say, then electronic card reader, then speech recognition device. This all we have covered in the input devices. Then in the last class, we had started with the output devices, in which we had already covered monitor. Then monitor are based on two things, that is based on colors and based on signals. Signals के लिए मैंने आपको example दिया था, जो भी medical equipments होते हैं जिसमें हमें कुछ signals दिखाई देते हैं, like CRO या आप cardio वगैरह करते हैं, है ना, cardio की जो रेट आती है आपकी या हार्ट बीट की जो रेट आती है, दैट इज सीन इन द सिग्नल, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. फिर जो कलर मॉनिटर्स होते हैं हमारे, उसमें तीन कैटेगरी है, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल एंड मल्टी कलर. मोनोक्रोम का मतलब होता है कि इट डिस्प्लेज ओनली टू कलर्स, वन फॉर द फोरग्राउंड एंड अनदर फॉर द बैकग्राउंड. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम सीआरओस में देखते हैं कि सीआरओ का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का होता है और उसमें जो सिग्नल्स हैं वो हमें ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, समटाइम्स व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं. फिर हमारी कुछ स्क्रीन्स होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, ठीक है, जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड रहता है और व्हाइट से लिखा हुआ रहता है. सिमिलरली ग्रे स्केल क्या होता है, ग्रे स्केल मतलब कि ये स्पेशल टाइप ऑफ मोनोक्रोम मॉनिटर होता है ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम्स के लिए, जिसमें ब्लैक और व्हाइट के बीच का जो रेंज आता है दैट इज ग्रे इन कलर, राइट. और ग्रे के भी डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं, लाइक लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और एनी अदर ग्रे. तो मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि यदि व्हाइट का यूज आप मैक्सिमम करोगे तो लाइट ग्रे की कैटेगरी में आएगा विद ब्लैक, और जब आप ब्लैक का ज्यादा यूज करोगे विद व्हाइट तो वहां पर डार्क ग्रे और ग्रे के डार्कर टाइप्स के शेड्स आएंगे, राइट. और लास्ट में हमने देखा था मल्टी कलर. मल्टी कलर मतलब दैट इज बेस्ड ऑन आरजीबी और सीएमवाई सिस्टम्स. आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, और CMY मतलब सियान, मैजेंटा एंड येलो. दिस आर दी डिफरेंट कलर मॉनिटर्स, राइट. फिर हमने देखा था साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स. साउंड कार्ड और स्पीकर्स आपको पता है दैट यू यूज, आप भी हो सकता है आप मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए भी ये पर्टिकुलर चीजें यूज कर रहे होंगे. स्पीकर्स जो होते हैं, जो भी कंप्यूटर में ऑडियो रहता है या कंप्यूटर की ओन, खुद की ओन साउंड्स रहते हैं, ठीक है ना, तो वो ओन साउंड्स और हमारा जो अदर एंड से जो म्यूजिक या वीडियो का जो सॉन्ग आ रहा है उसको आउटपुट करने के लिए वे यूज दी स्पीकर्स. हेडफोन और स्पीकर सिमिलर टाइप में वर्क करते हैं, बस दोनों में इतना ही अंतर है कि हेडफोन अदर लोगों को डिस्टर्ब ना करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, सिंपली उसको डायरेक्टली हम कान में लगा सकते हैं और सिंगल पर्सन के लिए वो यूजर यूज होता है. और जो जो आपके स्पीकर्स होते हैं वो आप एट अ टाइम मल्टीपल लोगों को सर्व करते हैं. हमें पता है, हम कोई प्रवचन सुनने जाते हैं किसी बाबा जी का तो वहां पर स्पीकर्स होते हैं, वहां पर हेडफोन्स नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर वो बाबा जी जो रहते हैं वो मल्टीपल लोगों को एट अ टाइम सर्व करते हैं. हम ऑडिटोरियम में कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो वहां पर स्पीकर्स यूज होते हैं, क्योंकि एट अ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमको ऑडियो को प्रोवाइड करवाना है. लेकिन जब आप कोई घर पे मूवी देख रहे हो, मम्मी पापा को इंटरेस्ट नहीं है, आपके सिस्टर को इंटरेस्ट नहीं है, या आप कोई अपने लैपटॉप में या टीवी में कुछ काम कर रहे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो अदर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, तो उस केस में आप हेडफोन्स का यूज करते हो जब आपको वन टू वन कम्युनिकेशन करना रहता है. देन वी हैड स्टार्टेड विद द मेन आउटपुट डिवाइस, जिसको बोलते हैं हार्ड कॉपी डिवाइसेस. हार्ड कॉपी डिवाइसेस मतलब प्रिंटर को बोलते हैं हार्ड कॉपी डिवाइसेस. हार्ड कॉपी डिवाइसेस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके जो हार्ड कॉपी है वो प्रिंटर ही बनाते हैं. तो प्रिंटर जो है, अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट प्रिंट्स टेक्स्ट और इलस्ट्रेशंस ऑन अ पेपर. मतलब इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल, कि कोई भी टेक्स्ट जो हम देखते हैं या कोई भी इमेज हम देखते हैं, जब उसको हम प्रिंटेड फॉर्म में लेकर आते हैं किसी पेपर के ऊपर, तो उसको प्रिंटर जो है हमारा वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है उस वक्त. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी
ये देख चुके हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है। यदि आप इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे हो तो इम्पैक्ट प्रिंटर में होती है रिबन, और ये जो रिबन होती है वो इंक से बनी हुई रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंक रिबन। और इंक रिबन के ऊपर यहाँ पर रहता है हेड, ये जो हेड रहता है इसमें इसके अंदर रहती है, हेड के अंदर रहती है आपकी पिंस, ठीक है। और ये जो पिंस रहती है ये 9 और 24 पिंस का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। 9 और 24 दोनों मार्केट में अवेलेबल है, या तो प्रिंटर में जो प्रिंट हेड है वो 9 पिंस वाला रहेगा या वो 24 पिंस वाला रहेगा। और इस हेड के ऊपर रहता है एक हैमर, और ये हैमर क्या करता है, इस हैमर से आप हेड को एक मारते हो और ये जो है प्रिंट के अंदर जो प्रिंटर है, ठीक है, ये जो प्रिंट के अंदर ये जो पिंस हैं, ये हेड के अंदर जो पिंस हैं वो स्ट्राइक होती है इस रिबन पर, और इस रिबन के नीचे लगा हुआ रहता है आपका A4 साइज या जो भी है पेपर, और उसके हिसाब से आपका जो प्रिंटिंग है वो होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है किसका, रिबन का और पेपर का और प्रिंट हेड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्पैक्ट। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि जब मम्मी पापा चट्टा मारते हैं तो फ्रेंड्स को पता लग जाता है, क्यों, क्योंकि गाल पे लाल लाल निशान रहते हैं, ठीक है ना, मतलब देर इज सम इम्पैक्ट। और एक और एग्जाम्पल दिया था कार्बन कॉपी का, राइट, कार्बन कॉपी का एग्जाम्पल दिया था कि जब भी हमें कोई कार्बन कॉपी का, कार्बन का हम जब यूज कब करते हैं कार्बन पेपर का, कि जब हमें सेम टू सेम कॉपी दूसरे वाले पेपर पे करना हो, हमें थोड़ी अपनी मेहनत बचानी हो, तो सिमिलर जो पेन है वो पिंस रहेंगी, जो आपका इंक रिबन है वो कार्बन पेपर रहेगा, और जो कार्बन पेपर के नीचे वाला पेपर है वो आपका ओरिजिनल पेपर रहेगा जिसपे आपको प्रिंट करवाना है। तो दैट इज द इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट का मतलब जिसमें कोई भी प्रिंट का जो हेड है, ठीक है, वो नहीं होता है। मतलब यहाँ पर हम एक इंक की बॉटल लेंगे और इसमें आगे लगा रहेगा एक नोजल, और जब इस इंक के बटन को, इस नोजल के बटन को, स्प्रे को जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से निकलेंगे हमारे पास इंक के ड्रॉपलेट्स, और ये जो इंक के जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो जो ड्रॉपलेट्स है वो किस पे गिरेंगे, पेपर के ऊपर, और उसका अरेंजमेंट इस तरह से रहेगा कि आप जो प्रिंट करवाना चाहते हैं आपको वही दिखेगा। मतलब आप दूर से स्प्रे करोगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल है आपका परफ्यूम, आप जो परफ्यूम यूज करते हो, आप परफ्यूम की बॉटल में क्या रहते हैं, फ्यूम्स रहते हैं, राइट, और आप इस पे जब नोजल प्रेस करते हो तो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस हमें आने लग जाती है और उसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं हमारी बॉडी पे पेस्ट हो जाते हैं, राइट। तो सिमिलर मैनर पे यहाँ पर इंक की बॉटल रहेगी, परफ्यूम की बॉटल नहीं रहेगी, और वो इंक का जो इंक ड्रॉपलेट जो है वो हमारे पेपर के ऊपर गिरेंगे, ठीक। अब आपके जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स रहते हैं, इसके जो टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप कौन कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। अब याद रखना है आपको कि डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर में जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज होता है, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, लेजर जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं आज के जमाने में, फिर इंकजेट, थर्मल, फोटो प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर और लेबल प्रिंटर। यहां तक किसी को कोई डाउट है, Anybody having doubt till now in the types of printer, impact printer and non-impact printer? किसी को, क्योंकि देखो यदि आपको impact और non-impact का meaning यदि clear नहीं है तो आपको मैं आगे जितने भी उसके types बताऊंगी आपको समझ में नहीं आएगा। तो I am asking you again, do you have any doubt in impact and non-impact printer? Impact printer मतलब there is a direct contact. Impact printer मतलब there is a direct contact between paper and a ribbon. और pins होती हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का जो डिसएडवांटेज होता है वही होता है कि पिन होने के कारण जब आप बार बार उस पर जब पिन पड़ेगी, किस पर पड़ेगी, इंक रिबन पर, तो इंक रिबन के टूटने का या फटने का जो है वो टेंशन रहता है वहां पर। और इंक यदि एक बार इंक रिबन में खत्म हो गई, जैसे कार्बन पेपर जब एक बार लाइट प्रिंट करने लगता तो हम उस कार्बन पेपर को फेंक कर नया कार्बन पेपर ले लेते हैं, तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी आपको पूरी की पूरी इंक रिबन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन जो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहते हैं वहां पर बॉटल रहती है, बॉटल के ऊपर नोजल रखा रहता है, तो जैसे इंक खत्म होती है हम बॉटल को रिफिल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कार्ट्रिज। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, कार्ट्रिज।
तो वो कार्ट्रिज को आपको रिफिल करवाना पड़ता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एग्जाम में कोई भी प्रिंटर आ सकता है विथ डिटेल, ठीक है ना, या दोनों भी आ सकते हैं, या दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। तो बहुत अच्छे से आपको समझना है इसकी टाइप्स और इसकी यूज वर्किंग। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे मैंने आपको बताया, एन इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइप राइटर, इट प्रिंट्स कैरेक्टर और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर और सेट ऑफ पिंस अगेंस्ट एन इंक रिबन। यही आपको बताया कि एक हैमर होता है, हैमर किसको ठोकता है, हेड को, और हेड के ऊपर रहती है पिन, तो पिन जाके स्ट्राइक कहाँ होती है, इंक रिबन पर, और इंक इज प्रेस्ड फ्रॉम द रिबन ऑन द पेपर टू प्रोड्यूस द आउटपुट। और उस इंक रिबन के नीचे क्या लगा हुआ रहता है, आपका A4 साइज पेपर। तो जैसे ही हैमर लगा हेड को, हेड लगा जैसे इंक रिबन को, तो उस पिंस के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख जाता है, जो भी आउटपुट है। जैसे आप कार्बन की बात करते हो, तो जहां जहां पर आपने पेन चलाया है वहां वहां पर उसका कार्बन से वो नीचे प्रिंट हो जाता है, मतलब उस जगह की जो इंक है वो आपके पेपर पर आ जाती है। तो सिमिलर मैनर में इम्पैक्ट प्रिंटर भी वर्क करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर द ओल्डेस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजीज विच आर स्टिल प्रोड्यूस द इम्पैक्ट प्रिंटर आर यूज वेयर लो कास्ट प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जहां पर आपको ज्यादा महंगा यूज नहीं करना है, जहां पर आपको ज्यादा महंगा यूज नहीं करना है, जहां पर आपको थोड़ी बहुत प्रिंटर की प्रिंट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजिंग चलेगी, जहां पर जो आपका प्रिंटर है ना, यदि वो प्रिंटर जो आपका जो भी आप पर्टिकुलर यूज कर रहे हो, यदि उसकी क्वालिटी आपको लो चलेगी और आपको ज्यादा इंक का यूज नहीं करना है, ज्यादा आपको पैसे नहीं लगाने हैं, तो उस केस में आप लो कास्ट प्रिंटिंग जब भी आपको करनी है तब आप इम्पैक्ट प्रिंटर यूज कर सकते हो। डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के मेन टाइप्स हैं। अब डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर आपको यदि मैं फिगर की हेल्प से समझाऊं, अभी नेक्स्ट इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो मिलेगा, इसको डेजी व्हील क्यों बोलते हैं, कोई मुझे बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेजी, डेजी का मतलब समझते हो, सुना है कि नहीं सुना है स्कूल टाइम में, अरे टाइप्स ऑफ फ्लावर नहीं पढ़े स्कूल टाइम में, क्या मैं क्या नाम, फ्लावर फ्लावर टाइप्स ऑफ फ्लावर, यस मैम, मैंने फ्लावर बनाया है, दिख रहा है, मैंने फ्लावर, यस मैम, यस मैम। देखो अब डेजी व्हील प्रिंटर पे क्या होता है, इट इज अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर, टायर जैसा दिख रहा है ये फ्लावर, और yes, और yes, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो डेजी फ्लावर का है, डेजी फ्लावर ऐसे ही दिखता है। अब ये प्रिंटर में क्या होता है, इस फ्लावर की स्ट्रिप पर, मतलब एक फ्लावर की जो उसकी मैं स्ट्रिप बोलूंगी उसको, ठीक है, मतलब उसकी एक जो पत्ती है उस पत्ती को मैं स्ट्रिप बोलूंगी, तो इस एक पत्ती पे लिखा है ए, दूसरी पे लिखा है बी, फिर सी, फिर डी, लाइक दिस, फिर 1, 2, 3, 4 एंड लाइक दिस, इस तरह से वो डेजी व्हील प्रिंटर होता है। अब यदि मुझे प्रिंट करना है अति 1, 2, 3, इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट लाइक दिस, अति 1, 2, 3, यदि मुझे ऐसा प्रिंट करना है, तो ये डेजी व्हील प्रिंटर काम कैसे करेगा, सबसे पहले, मतलब सपोज यहां पर मेरा पेज है, सपोज ये मेरी पेज का लोकेशन है, तो सबसे पहले ये अपने व्हील को घुमाएगा और इस ए को पेपर के वहां लाएगा, और ये ए देखो, ए जो है मेरे पेपर के वहां पर आ गया है, तो मेरा ए जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब ए के बाद वो देखिएगा प्रिंट क्या करना है, टी, वापस से ये इस व्हील को घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा कि इस जगह पर क्या जाएगा, टी, तो ये टी जो है यहां पर प्रिंट कर देगा। फिर मुझे प्रिंट करना है आई, तो वापस से ये इस व्हील को इस तरह से घुमाएगा कि आई को प्रिंट कर देगा। देन ये 1 है, ये नीचे है अभी, तो इसको ये कितने 180 डिग्री से रोटेट कर देगा, ताकि ये जो ए है इसकी लोकेशन नीचे आ जाए और 1 की लोकेशन ऊपर आ जाए, ये 1 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद 2 को और 3 को, मतलब व्हील आपका घूमते जाएगा और ये जो स्ट्रिप है इसके ऊपर प्रिंट हेड, मतलब यहाँ पर एक प्रिंट हेड लगा रहेगा, और ये प्रिंट हेड जो है वो स्ट्रिप को ठोकेगा, और वो स्ट्रिप पे ए लिखा है वो इंक रिबन पे ठुक के कहां पर आ जाएगा, आपके पेपर पर। तो अति 1, 2, 3 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। बात मेरी कितने लोगों को समझ में आई, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है
मतलब वो डेजी व्हील टेक्नोलॉजी क्यों है, क्योंकि व्हील है, व्हील क्योंकि बार बार घूमेगा हर कैरेक्टर को लाने के लिए, और हर एक स्ट्रिप जो व्हील है मतलब जो फ्लावर है, फ्लावर के हर एक पत्ती के ऊपर आपने क्या कर रखा है, आपने एक अल्फाबेट्स और नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो घूमते जाएगा और वो नंबर्स जो है या अल्फाबेट जो है आपके पेपर पे प्रिंट होते जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। इट वर्क्स लाइक अ बॉल हेड टाइपराइटर, दे आर प्रिंटर्स ऑफ लेटर क्वालिटी टाइप, मतलब ये सिर्फ लेटर को जनरली प्रिंट करता है, वो चाहे अल्फाबेट हो चाहे वो नंबर्स हो। इट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक इमेजेस, यहाँ पर ग्राफिक इमेजेस क्योंकि ऑब्वियसली आप ग्राफिक इमेज को प्रिंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो डेजी व्हील का जो कॉन्सेप्ट है इसमें या तो नंबर्स हैं स्ट्रिप पे या अल्फाबेट्स हैं, तो यहाँ पर आप ग्राफिक को प्रिंट नहीं कर सकते। एंड दे आर नॉइजी एंड स्लो, देखो जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना सारे नॉइजी होते हैं। क्यों नॉइजी होते हैं? क्योंकि प्रिंट हेड बार बार रिबिन से टकराता है, उसको स्ट्राइक करता है, हैमर से ठोकता है, चाटा पट्टा है भाई को या बहन को, तो अगले अपने को बाहर वाले रूम में पता चल जाता है ना कि अंदर पटरी एक यस और नो। तो सिमिलर मैनर में डेजी व्हील प्रिंटर भी जब स्ट्राइक करता है हैमर के हेल्प से प्रिंट हेड, तो वहां पर आवाज आती है। तो ये थोड़े से नॉइजी होते हैं, बस ये थोड़े से चीप होते हैं, इसलिए ये ज्यादा यूज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट उसमें हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखो जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया था सेम उसी मैनर में यहाँ पर देखो ये डेजी व्हील का डायग्राम बना हुआ है। देखो कितनी सारी स्ट्रिप्स यहाँ पर, एक स्ट्रिप ये है, फिर ये है, फिर ये है, दिख रही है आपको स्ट्रिप्स? यस मैम। अरे हो या नहीं हो क्लास में? यस मैम दिख रही है। तो ये जितनी भी स्ट्रिप्स हैं, देखो इस तरह से स्ट्रिप बनी हुई है ऐसी, और इसके बाहर ऐसा एक छोटा सा स्क्वायर, फिर ऐसी, इसके बाहर छोटा सा स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है इस पे आपके अल्फाबेट्स और नंबरिंग लिखी हुई रहती है। और देखो ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंटर है यहाँ पर जिसमें आप पेपर फेड करोगे, और ये प्रिंटर के अंदर की टेक्नोलॉजी वो इस डायग्राम में शो किया हुआ है। देखो यहाँ पर लाइक दिस कि आपका ये प्रिंटर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो ये आपका व्हील जो रोटेट होगा, तो व्हील को रोटेट करने के लिए यहाँ पर इस तरह से ये मैकेनिज्म बताया है कि व्हील इस तरह से रोटेट होता है, और ये आपकी स्ट्रिप्स हैं। तो स्ट्रिप्स जो प्रिंटर साइड पे जो स्ट्रिप रहेगी वो आपका जो पार्ट आपको जो प्रिंट करवाना है वहां पर वो दिखाई देगी आपको, ठीक है। और स्ट्रिप के अकॉर्डिंग आपका एक एक कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर प्रिंट होता है, वन वन कैरेक्टर को जो है ये वाला प्रिंटर जो प्रिंट करता है। अब सुनो, अ मोटर रोटेट्स द व्हील, मतलब ये जो मोटर लगी हुई है ना यहाँ पर, ये जो मोटर लगी हुई है ये मोटर क्या करती है, व्हील को रोटेट करती है। अ हैमर स्ट्राइक्स अ पिटल, पिटल मतलब पत्ती जो होती है फ्लावर की, उसको पिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक स्ट्रिप है उसको आप क्या बोलोगे, पिटल। तो हैमर किसको, पिटल को क्या करेगी, जैसे ये ए है तो ए वाले पिटल को जब हैमर मारेगी तो यहाँ पर आपके पेपर पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ए। अगेन द रिबन, व्हेन द डिजायर्ड कैरेक्टर रीचेस द पोजीशन ऑन द पेपर, this prints the character on the paper. Daisy wheel printer is slower than the dot matrix printer but better in quality. Better क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक एक character को आप print करोगे तो आपको बहुत clearly यहाँ पर जो भी quality है वो दिखाई देगी, हर एक आपका character अलग से print होने की वजह से यहाँ पर quality जो है as compared to dot matrix ठीक होगी, लेकिन dot matrix के compare में एक एक character को print करेंगे इसलिए थोड़ा सा slow होगा। ठीक, समझ में आया डेजी व्हील प्रिंटर, ज्यादा नहीं डिटेल में जाना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है बस। फिर आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो डॉट मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको ए प्रिंट करना है तो ये एक डॉट प्रोड्यूस करेगा, फिर दूसरा डॉट प्रोड्यूस करेगा, फिर तीसरा डॉट प्रोड्यूस करेगा, फिर चौथा, पांचवा। इसलिए हम जब सिटी बस में जब ट्रेवल करते हैं तो उसमें जो रुपीज आता है या जो हमारी छोटी सी प्रिंटर प्रिंटआउट जो निकलता है वो आपको डॉटेड फॉर्म में दिखाई देता है। यदि 12 रुपए लगते हैं तो इस तरह से वो डॉट 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 आपके बने हुए रहते हैं, है ना, इस तरह से वो डॉट बने हुए रहते हैं और आपको इस तरह से क्या होता है वो रुपए जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक एज बेस्ट इज पॉसिबल। इस तरह से आपको वो फिगर जो है वो दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि दैट इज मैडअप ऑफ डॉट्स, और डॉट थोड़े से दूर दूर रहते हैं इसलिए आपको अलग से वो क्लियरली दिखाई दे जाते हैं डॉट। देखो They are the first printers. अब first printer क्यों बोला, बोले मैडम Daisy wheel तो इसके पहले आ गया था, but first printers with the personal computer. Daisy wheel को हमने personal computers के साथ use नहीं किया, लेकिन जो dot matrix printers होते हैं इसको आप personal computers के साथ use
कर सकते हैं. इट क्रिएट्स इमेज बाय स्ट्राइकिंग पिंस अगेंस्ट द इंक रिबन. बोले मैडम ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे डेजी व्हील में होता था. तो देखो टाइप ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स भी इंपैक्ट प्रिंटर का टाइप है और डेजी व्हील भी इंपैक्ट प्रिंटर का टाइप है. मतलब दोनों के पीछे टेक्नोलॉजी तो सेम ही रहेगी कि एक प्रिंटर रहेगा, एक हैमर रहेगा, हैमर प्रिंट हेड को ठोकेगा, प्रिंट हेड के अंदर पिंस रहेंगी, चाहे तो 9 रहेगी चाहे तो 24 रहेगी, और वो पिंस के अकॉर्डिंग इंक रिबिन में वो प्रिंट हेड स्ट्राइक करेगा. और जो भी वहां पर जो इंक रिबिन जहां जहां पर स्ट्राइक करेगा आपके पेपर के ऊपर, वहां पर आपका जो वो जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा. मतलब कॉन्सेप्ट तो आपका टोटल सेम है, बात आप इंपैक्ट प्रिंटर की कर रहे हो, चाहे वो डॉट मैट्रिक्स हो चाहे डेजी व्हील हो. इसका सेकंड स्टेटमेंट तो दोनों में सेम रहेगा, दैट इज इट क्रिएट्स इमेज बाय स्ट्राइकिंग पिंस अगेंस्ट द इंक रिबिन बाय एक्टिवेटिंग दिस पिंस इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन. ये हमारा काम का चीज है यहाँ पर, है ना, कि बाय एक्टिवेटिंग दिस पिंस इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रिंटर प्रोड्यूसेस डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑन पेपर. मतलब इस पिन का जो है, ये जो पिंस है, इस पिंस के कॉम्बिनेशन को, ये जो पिन है इसके कॉम्बिनेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा. उस चेंज के अकॉर्डिंग जो है वो कैरेक्टर प्रिंट होगा. मतलब डेजी व्हील में तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था कि ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, ये नंबरिंग लिखी 1 2 3, आपने व्हील घुमाया उस पर्टिकुलर पीटल पे आए, स्ट्रिप पर आए और उसको आपने प्रिंट करवा लिया. पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में तो कहीं ABCD पहले से लिखा हुआ ही नहीं है. यहाँ पर तो आपको इस तरह से पिंस को 9 या 24 पिंस, इनको इस तरह से आपको अरेंज करना पड़ेगा कि ये एक कैरेक्टर बना सके. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यदि आपका 24 पिंस से आप बना रहे हो तो उसमें आपकी इमेज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि 24 पिंस जो है वो ज्यादा अच्छी इमेज प्रोड्यूस करेंगे, और जो 9 पिंस है वो आपकी थोड़ी सी इन कंपेयर विद 24 पिंस वो थोड़ी सी लो इमेज को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो एकदम से आपको समझ में नहीं आएगी. दिस इज द 9 पिंस एंड दिस इज द 24 पिंस. ये दोनों में डिफरेंशिएट है. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर इनएक्सपेंसिव एंड रिलेटिवली फास्ट. अब इनएक्सपेंसिव कैसे, वे सस्ते क्यों हुए, क्योंकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के केस में ये थोड़े से सस्ते होते हैं, इसलिए इसमें इनएक्सपेंसिव लिखा है. और रिलेटिवली फास्ट किसके केस में लिखा है, डेजी व्हील के कंपेयर में थोड़े से ये फास्ट होते हैं. अब स्पीड क्या होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्रिंटर की जो स्पीड है वो होती है CPS, दैट इज कैरेक्टर पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितने कैरेक्टर को कर सकता है. तो इट स्पीड वेरी फ्रॉम 50 to 500 CPS. मतलब जो डिफरेंट टाइप के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं जो अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं, तो कुछ ऐसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं जो 50 कैरेक्टर एक सेकेंड में प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे भी होते हैं जो 500 कैरेक्टर्स पर सेकेंड को प्रिंट करते हैं, मतलब एक सेकेंड में 500 कैरेक्टर. ठीक है, तो ये इसकी स्पीड हो गई. पर डिसएडवांटेज क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, इट्स प्रिंट क्वालिटी एंड द लाउड नॉइस. इम्पैक्ट प्रिंटर है, हैमर से प्रिंट हेड को आप स्ट्राइक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आवाज आएगी. वो इम्पैक्ट प्रिंटर चाहे डेजी व्हील हो चाहे डॉट मैट्रिक्स हो, आवाज तो सारे ही इम्पैक्ट प्रिंटर्स करते हैं क्योंकि उसमें स्ट्राइकिंग होती है. ठीक है, और प्रिंट की क्वालिटी भी यहाँ पर जो लिटिल लो होती है एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, उसके कंपेयर में थोड़ी सी लो होती है. ठीक है, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कंसेप्ट हो गया कि ये पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो पर्सनल कंप्यूटर के साथ यूज होता है, और इसमें भी हम प्रिंट हेड में जो पिंस होती है उसको स्ट्राइक करके कैरेक्टर को प्रिंट करवा रहे हैं. यहाँ पर जो कैरेक्टर प्रिंट होता है उसका जो है कॉम्बिनेशन वो 9 पिन या 24 पिन से बनकर होता है, और इसकी स्पीड जो है वो CPS में होती है, दैट इज कैरेक्टर पर सेकेंड, आइदर 50 to 500 कैरेक्टर पर सेकेंड, और इसकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो होती है और ये नॉइजी होते हैं. ठीक है, देखो यहां पर इसका डायग्राम दिया हुआ है. The speed of dot matrix printer is measured by number of characters per second that can be printed. है ना, एक सेकेंड में आप कितने कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हो उस पर डिपेंड करती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की. ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है मैट्रिक्स प्रिंटर्स रेंजेस 350 to
1100 कैरेक्टर्स पर सेकेंड. जो लेटेस्ट है, जो अभी जो आ गए हैं डॉट मेट्रिक स्प्रिंटर जो रिवाइज हो गए हैं, वो 50 से 500 की जगह पर 350 से 1100 कैरेक्टर्स पर सेकेंड प्रिंट करते हैं. मतलब डॉट मेट्रिक स्प्रिंटर में आपने कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया है और उसके कारण जो है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई है, दैट इज 350 टू 1100 कैरेक्टर्स पर सेकेंड. ठीक है, अब देखो यहाँ पर वर्किंग कैसे करता है ये प्रिंटर की जो वर्किंग है वो कैसी होती है. जैसे मैंने आपको बताया प्रिंट हेड, ये जो प्रिंट हेड है या तो इसमें 9 पिन होती है या 24 पिन होती है. यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है देखो, ये 9 पिन वाला दिया है आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये 9 प्रिंटर है. यदि यहाँ पर 24 पिन होता तो यहाँ पर जो सर्कल्स होते वो टोटल 24 होते. और ये जो आपका पेपर है ये फेड होगा आपके किसमें, प्रिंटर में. और ये जो प्रिंटर है इसके अंदर ये 9 पिन लगी हुई रहती है, यदि वो 9 प्रिंटर है तो. और ये जो प्रिंटर है ये इस टाइप से आपका रहता है कि आपको इस तरह से वो स्ट्राइक कर सकता है. आ रही है बात समझ में, इस तरह से वो स्ट्राइक करता है कि आपको यहाँ पर जो आप जो भी कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आपका कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है. ठीक है, और यदि 24 पिन का रहता तो उस केस में यहाँ पर 24 सर्कल्स बने हुए रहते, उसमें क्वालिटी आपकी इन कंपेयर विथ लाइन प्रिंट वो ज्यादा अच्छी रहती है. ठीक है, अब एक यहाँ पर एक और डायग्राम दिया है मैंने, ये बैंड प्रिंटर का, बैंड ऑफ लेटर्स. मैं भी इसका आपको आगे बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. ठीक है, लगेगा तो मैं वापस से इस पे आ जाएंगे. ठीक, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्लियर. अब मैंने 3 टाइप के आपको इम्पैक्ट प्रिंटर बताना चाहे थे, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर. तो तीसरा वाला लाइन प्रिंटर, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है ये किसको प्रिंट करता है, लाइन को, मतलब वन लाइन एट अ टाइम. यहाँ पर कैरेक्टर की बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ये थोड़े से फास्ट होते हैं. लाइन प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, इट इज फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, इट प्रिंट एन एंटायर लाइन एट अ टाइम. मतलब ये कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करेंगे एक ही टाइम में, ये क्या करेंगे, लाइन को प्रिंट करेंगे. इट्स स्पीड इज मेजर्ड, इट्स स्पीड इज मेजर्ड पर मिनट, पर सेकेंड नहीं करेंगे इसको, पर मिनट करेंगे. एंड लाइन प्रिंटर आर दोस प्रिंटर विच कैन प्रिंट 300 to 3000 लाइन्स पर मिनट. इसकी जो यूनिट है वो होगी LPM, दैट इज लाइन्स पर मिनट, कि एक मिनट में कितनी लाइन्स प्रोड्यूस करता है लाइन प्रिंटर. तो लाइन प्रिंटर जो है एक मिनट में 300 से लेके 3000 तक की लाइन्स जो है वो प्रिंट कर सकता है. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उनकी स्पीड क्या थी, CPS, मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड, की एक सेकेंड में वो कितने कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है. लेकिन जो लाइन प्रिंटर होते हैं उसकी जो यूनिट है दैट इज LPM, दैट इज लाइन पर मिनट, की एक मिनट में वो कितनी लाइन प्रोड्यूस कर सकता है. पर मिनट का मतलब तो यही होता है कि एक मिनट में कितनी कर सकता है. सबके डायग्राम भी बने हुए देखो, प्रिंटर तो ऑलमोस्ट सारे एक जैसे दिखते हैं, बस अंदर से उसकी वर्किंग जो है वो चेंज हो जाती है. लाइन प्रिंटर दो तरह के होते हैं, ये आज की लास्ट स्लाइड है. ठीक है, लाइन प्रिंटर दो तरह के होते हैं, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर. तो बैंड प्रिंटर क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बैंड प्रिंटर में, जैसे डेजी व्हील में आपने देखा होगा कि हर एक पिटल पे ABCD लिखी हुई रहती थी, तो बार बार आपको व्हील को रोटेट करना पड़ता था और उस तरह उस जो हमको कैरेक्टर चाहिए उसका स्ट्रिप लाके उसको हम स्ट्राइक करवाते थे. लेकिन बैंड प्रिंटर में क्या होता है, यहाँ पर एक बैंड मतलब ड्रम जैसा होता है, ड्रम इज अ टाइप ऑफ अ बैंड, है ना, ड्रम बजाते हैं ना अपन, तो बैंड का टाइप होता है, इसको बैंड प्रिंटर बोलते हैं. और इस प्रिंटर के ऊपर देखो सारे कैरेक्टर प्रिंट है, आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो ABCD और सारे नंबर्स फिगर्स, फिर आपके जो सिम्बॉल्स हैं वो सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको. ये ड्रम जैसा फिगर है, ये पाइप जैसा एक फिगर है, देखो गोल है ये ड्रम है. ठीक है ना, मतलब ये इस तरह से बना हुआ है ऐसा. और ये जो ड्रम के ऊपर की जो सरफेस है, इस सरफेस पे चारों तरफ, इस सरफेस पे चारों तरफ क्या है हमारे, जो हमें कैरेक्टर प्रिंट करवाने रहते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो कोई और सिम्बॉल्स हो, वो सारे इसके ऊपर है. ठीक, तो इसी इसमें भी यही होगा कि सपोज आपको अति को प्रिंट करवाना है, सपोज आपको ATI
लिखना है ATI@123 लाइक दिस ATI@123 आपको सपोज ये प्रिंट करवाना है तो इस केस में क्या होगा कि पहले ये बैंड घूमेगा और जहां पर ए लिखा हुआ रहेगा ए को वो पेपर की तरफ लाएगा और देखो ये आपका प्रिंट हैमर है यहाँ पर क्लियर लिखा है प्रिंट हैमर वन फॉर ईच प्रिंट कॉलम तो ये प्रिंट हैमर जो है ये स्ट्राइक होगा और स्ट्राइक होने के कारण वो पेपर जो है वो हमारे पेपर पे वो कैरेक्टर जो है हमारे पेपर पे प्रिंट हो जाएगा वैसे ही इस तरह से सारे जो है वो प्रिंट हो जाएंगे क्लियर तो बैंड प्रिंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यहाँ पर डेजी व्हील जैसा स्ट्रिप पर एक एक कैरेक्टर नहीं लिखे यहाँ पर बैंड के ऊपर लिखे हुए हैं तो वो बैंड के अकॉर्डिंग जो बैंड हमारा रोटेट करेगा जहां पर वो वर्ड होंगे वहां पर से वो उसको स्ट्राइक करवा देगा ठीक आप बोल सकते हैं जस्ट लाइक कैलकुलेटर कैलकुलेटर पे क्या होता है हार्डवेयर जो रहता है उस पर सारे बटन लगे रहते हैं आप जिस बटन को प्रेस करोगे वही हमें आउटपुट पे दिखता है बाकी बटन दिखते हैं क्या नहीं दिखते हैं तो उसी केस में यहाँ पर जिस पर्टिकुलर बटन पर हैमर हमारा स्ट्राइक करेगा वही प्रोड्यूस होगा पेपर पे बाकी प्रोड्यूस नहीं होंगे तो दैट इज दी आपका हो गया लाइन प्रिंटर में बैंड प्रिंटर और एक होता है चेन प्रिंटर तो ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है इसमें चेन पर जैसे बैंड की जगह पर चेन पर कैरेक्टर लिखे रहते हैं इस तरह की लंबी चेन बनी हुई रहती है लाइक दिस ठीक है वहां पर क्या रहेगा इस तरह की एक लंबी चेन बनी हुई रहती है और इस चेन पर क्या होते हैं आपके कैरेक्टर जो है ए बी सी डी जो भी आपके कैरेक्टर हैं वो सारे प्रिंट रहते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपका जो चेन है वो रोटेट करके आप कर सकते हो ठीक है चेन प्रिंटर इज अ सिमिलर टू बैंड प्रिंटर इट कंटेन्स कंप्लीट सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द सेवरल सेक्शंस ऑफ अ चेन चेन के अलग अलग पार्ट पर सारे कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं एंड द चेन रोटेट्स एट अ हाई स्पीड यहाँ पर जो चेन है वो रोटेट होती जाएगी और आपका जो भी पर्टिकुलर आप कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हो वो प्रिंटर हो जाएगा मतलब बट ऑब्वियस जो लाइन प्रिंटर है वो क्या करेगा एट अ टाइम वन लाइन को प्रिंट करेगा पर सेकेंड और ये लाइन कैसे बनी होगी विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइन को बनाने के लिए हमने क्या यूज किया है कैरेक्टर तो यहाँ पर फास्ट कैरेक्टर प्रिंटिंग होगी इसमें यहाँ पर लाइन बन जाएगी इंस्टेड ऑफ सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स ठीक तो आज की क्लास में जो हमने कवर किया है व्हाट इज दैट हमने देखे हैं इंपैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन इंपैक्ट प्रिंटर के टाइप्स दैट इज डॉट मैट्रिक्स लाइन प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर फिर हमने डेजी व्हील प्रिंटर की वर्किंग देखी देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की वर्किंग देखी एंड देन वी हैव गॉन थ्रू द वर्किंग ऑफ लाइन प्रिंटर्स अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में दैट इज द नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और उसके टाइप्स लेजर थर्मल पोर्टेबल लेबल फोटो एंड इंकजेट विथ ऑल देयर फोटोज उनकी सारी फोटोज के साथ हम देखेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स ठीक चलिए आज का लेक्चर यही एंड करते हैं किसी को भी कोई डाउट है